तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि निक फ्यूरीज बस स्पाइडरमैन के साथ होंगे, यानी वो स्पाइडरमैन को समझेंगे, पहचानेंगे और उसका पोटेंशियल देखेंगे कि वो यंग एवेंजर्स की टीम फॉर्म करने के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं। अब ऐसे मुझे लगता है कि निक फ्यूरी ने जानबूझ के कैप्टन मार्वल और थॉर को अप्रोच नहीं किया और स्पाइडरमैन को ये बोल दिया कि कैप्टन मार्वल अनअवेलेबल है और थॉर ऑफ वर्ल्ड है। हाँ, मैं मानता हूँ थॉर ऑफ वर्ल्ड, लेकिन थॉर को बुलाया जा सकता था और कैप्टन मार्वल को भी बुलाया जा सकता था, लेकिन निक फ्यूरी इस वक्त स्पाइडरमैन का पोटेंशियल टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर स्पाइडरमैन बिना इन दोनों के कितना ज्यादा काम कर सकता है। वैसे तो अगर हम बात करें यहाँ पर मल्टीवर्स की, तो मेरे हिसाब से एक और एवेंजर्स को स्पाइडरमैन मूवी में होना चाहिए मल्टीवर्स को समझने और समझाने के लिए, वो है प्रोफेसर हल्क, यानी हमारे ब्रूस बैनर। कि मल्टीवर्स कोई ऐसी सिंपल मैथमेटिक्स नहीं कि जिसको बड़ी आसानी से समझा जाए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन भी बहुत ज्यादा साइंस एक्सपर्ट है, लेकिन उसको भी मल्टीवर्स समझने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। और रही बात निक फ्यूरी की, तो वो तो एक एजेंट है, तो मल्टीवर्स वो कैसे समझेंगे? तो उनको एक ऐसा दिमाग चाहिए जो मल्टीवर्स को समझने और पूरी ऑडियंस को समझाने में अच्छे से मदद करे। तो ब्रूस बैनर जैसा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मल्टीवर्स को अच्छे से समझा सकता है। और अगर मान लीजिए ब्रूस बैनर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें नहीं दिखाई देते हैं, या प्रोफेसर हल्क हमें स्पाइडरमैन में नहीं दिखाई देते हैं, तो आगे जाके अगर मल्टीवर्स आगे भी चलता है तो कोई ऐसा बनता है जो मल्टीवर्स को ठीक तरह से समझ देगा, वो ब्रूस बैनर ही होगा। क्योंकि ये मल्टीवर्स अगर आ रहा है एमसीयू में, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी। और हम लोग एवेंजर्स एंड गेम में भी देखे थे, जब टोनी स्टार्क ने टाइम मशीन बनाने से मना कर दिया था, तो ब्रूस बैनर था जो स्कॉट की हेल्प किया था। हाल ही में अब ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्रूस बैनर की स्टोरी लाइन है, जो हमारे हल्क की स्टोरी लाइन है, वो काफी ज्यादा आगे तक बढ़ सकती है। और यहाँ पे जनरल रॉस, अबोमिनेशन और लीडर, ये सबका भी बहुत ज्यादा मेन रोल होगा। और खासकर हो सकता है आगे जाके हमें हल्क और स्पाइडी की टीम अप मूवी नजर आए। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना ज्यादा आगे बढ़े, तो उसका पोटेंशियल भी जरूर आगे बढ़ना चाहिए। खैर दोस्तों, आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे? क्या आपको लगता है कि प्रोफेसर हल्क मल्टीवर्स को हमें अच्छे से समझा सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तब कमेंट करें, या अगर आपके दिमाग में कोई और सुपर हीरो है तो उसका जवाब कमेंट करें। और दोस्तों, कॉमिक बुक टॉक्स की तरफ से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट्स की गिव अवे हो रहा है। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट सुपर हीरोज का नाम कमेंट करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट जीतना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।